हेलो रिवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द जीपेट रिज़ल्ट एनालिसिस सो हम सर्वे करेंगे एंड प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे लास्ट एट इयर्स के जीपेट के रिज़ल्ट का जो आखिरी एट ईयर्स के टू से लेकर टू ट्वेंटी तक के जो टोटल एट ईयर्स का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जीपेट का जो रिजल्ट था उसका कट ऑफ मार्क्स उसके रिलेटेड जो एनालिसिस है वो हम डिटेल में देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंग टू कितना कट ऑफ रहा एंड उसके रिलेटेड प्रॉपर जो एनालिसिस है वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि जनरल कैटेगरी होती है ओबीसी एनसीएल एससी कैटेगरी एसटी पीएच एंड अभी जो लेटेस्ट है ई डब्ल्यू एस की जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ग्रुप तो ये सभी के बारे में जो अलग अलग ईयर में जो कट ऑफ रहे जीपेट एग्जाम के उसी का डिटेल में हम सर्वे करते हैं एंड प्रॉपर एनालिसिस देखते हैं आज के ये वीडियो लेक्चर में सो लेट्स स्टार्टिंग दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद द नॉलेज फॉर दैट जो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वगैरह आपको फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पर से मिल जाएगा सो डाउनलोड द एप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एंड एप्पल आईफोन एप ऑन एप स्टोर सो गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज एप स्टोर दोनों पर से आप मिल जाएगी आपको Get the link in a description box and start learning using the various courses like GPAT test series, pharmacist, DIN, NIPER. Also, the study material you will get, and video lecture, printed study material, PDF study material, and premium quality online test series for GPET, NIPAR, DIM, pharmacist exam in affordable price just rupees 100 of one year. ज यू विल गेट ऑन अवर एप फॉर्म आरोक्स डाउनलोड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आई फोन एप ऑन एप स्टोर सो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कॉमन जी पैट फॉर्मेट का कि जो की जो जीपैट की एग्जाम है कि जी पैट एग्जाम का मेन कॉमन फॉर्मेट क्या है तो टोटल वन ट्वेंटी फाइव एम सी के होते हैं एच एम सी क्यू हैवेंगे फोर मार्क्स सो टोटल जो जी पैड की एग्जाम है रहेगी फाइव हंड्रेड मार्क्स की टोटल जी पेड एग्जाम है वे फाइव हंड्रेड मार्क्स एंड जो आपको टाइम लिमिट दी जाती है वह है वन एटी मिनट्स तो ये है कॉमन जी पेड एग्ज़ाम का फॉर्मेट अब हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं रिजल्ट का कि जो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टू थाउजेंड एंड थर्टीन सो जीपेट टू थाउजेंड थर्टीन रिजल्ट कट ऑफ मार्क्स हम देखे तो जनरल कैटेगरी के लिए दो हजार तेरह में कट ऑफ था वन फोर्टी फाइव मार्क्स आउट ऑफ फाइव हंड्रेड ये जितना भी कट ऑफ है वो फाइव हंड्रेड में से ही आपको कंसिडर करना है बिकॉज जो भी हमने फॉर्मेट देखा कि उसके अकॉर्डिंग टू वन ट्वेंटी फाइव एम सी क्यू एंड ईच हैविंग ए फॉर मार्क्स सो टोटल मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो 500 मार्क्स जो है वो ऑप्टेन कर सकता है सो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ दिया था वो था 145 मार्क्स तो ग्राफिकली भी आप देखोगे तो जनरल का ये वाला जो फर्स्ट ग्राफ की जो 145 मार्क्स के लिए सेट है ऐसे ही सेम कट ऑफ रहा ओबीसी के लिए एंड एन की जो नॉन क्रेमिलियर ग्रुप्स हम कहते हैं तो ओ बी दोनों के लिए आ, सेम कट ऑफ रहा ओ बी सेकंड जो ऑरेंज कलर का ग्राफ देख सकते हैं आप तो दोनों ग्राफ सेम है 145 मार्क्स के साथ थर्ड है शेड्यूल कास्ट की जिसको हम कहते हैं एस कैटेगरी तो एस के लिए भी कट ऑफ था 100 मार्क्स कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रे कलर का ग्राफ एंड येलोवी ऑरेंज जैसा ग्राफ सीड्यूल ड्राइव का कि जिसका भी कट ऑफ था हंड्रेड मार्क्स एंड लास्ट में आप देखिए लाइट ब्लू कलर फिजिकली हैंडी के लिए भी कट ऑफ था हंड्रेड मार्क्स उस वक्त 2013 में कोई ई कैटेगरी नहीं थी इसलिए उसका कट ऑफ भी अवेलेबल नहीं है ना ही उसका ग्राफ यहाँ पे है सो so, ये था 2013 का रिजल्ट एनालिसिस आगे देखते हैं रिजल्ट एनालिसिस फॉर जी 2014। अब 2014 में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रहा 125 मार्क्स सेम कट ऑफ रहा ओबीसी के लिए भी 125, ट्वेंटी फाइव देन शेड्यूल कास्ट के लिए भी 100, शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड तो इसीलिए आप देख सकते हैं जो ग्राफ है तीनों के लिए सेम है और वो कट ऑफ था हंड्रेड मार्क्स कि चाहे आप एस का ग्राफ देखो एस या फिर पी एच तो उस वक्त अवेलेबल ही नहीं था और जनरल और ओ का भी सेम था बट वो था 125 जबकि एस सी एस टी फिजिकली हैंडी स्टूडेंट के लिए कट ऑफ था 100 मार्क्स आउट ऑफ 500 तो ये कट ऑफ मार्क्स थे आउट ऑफ 500 वो हमेशा आपको याद रखना है कि आउट ऑफ 500 में से ये कट ऑफ जो है वो बनाया जाता है 2015 की बात करें तो जनरल का भी 125 एंड ओबीसी का भी 125 था कि जनरल ओबीसी दोनों का 125 कट ऑफ रहा कि ये देख सकते हैं आप ग्राफिकली भी इन 2015 देन अबाउट द एससी सी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट पीएच कैटेगरी तीनों का भी सेम रहा 100 मार्क्स कि जैसे 2014 का आपने देखा सेम लाइक दैट 2015 में भी जो कट ऑफ था वो सेम रहा 2016 में कट ऑफ फॉर डाउन हुआ और जीपेट 2016 के अंदर जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा वो रहा 115 मार्क्स आउट ऑफ 500 तो आप देख सकते हैं यहां पे जनरल कैटेगरी का 115 एंड सेम रहा 115 फॉर ओबीसी कैटेगरी एससी के लिए 90 एसटी के लिए भी 90 एंड फिजिकली हैंडीकैप्ट के लिए भी 90 तो ये देख सकते हैं तीनों के ग्राफ सेम है बट डाउन हुए हैं एस कंपेयर टू 2015 आगे देखते हैं 2017 के अद रिजल्ट का कट ऑफ की जनरल कैटेगरी के, के अंदर भी 113 एंड ओबीसी का भी कट ऑफ रहा 113 मार्क्स सो हियर यू कैन सी इन ग्राफिकली जनरल एंड ओबीसी बी सी है सेम कट ऑफ मार्क्स हंड्रेड एंड थर्टीन एंड फॉर एस सी एस टी एंड फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट वो कट ऑफ और डाउन हुआ और वो हुआ सिर्फ एटी टू मार्क्स इन जू पे टू थाउजेंड एंड सेवनटीन एग्जामिनेशन की जीपे दो हज़ार सत्रह में देखिए तो जनरल ओ बी सी का भी काफ़ी कम मार्क्स थे एक सौ तेरह मार्क की कट ऑफ था एंड एस सी एस टी एंड फिजिकली हैंडीकैप के लिए सिर्फ 82 मार्क्स कट ऑफ रहा फ्रॉम 500. तो इसलिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि समझो कि आपके एटलीस्ट तीस क्वेश्चन जितने भी सही है थर्टी तो थर्टी इंटू फोर इज इक्वल टू वन ट्वेंटी मार्क्स तो एटलीस्ट आपके तीस क्वेश्चन भी सही होते हैं जीपैट के अंदर तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं कि जब आप प्रॉपरली उस पेपर को सॉल्व करते हैं और समझो कि आपने पचास जितने क्वेश्चन सही से किए और उसमें से सिर्फ 40 तो करेक्ट हो गए तो 40 इंटू चालीस वन मार्क्स और जो 10 गलत हुए उसके माइनस दस कर दे फिर भी 150 मार्क्स जो है वह आप ऑप्टेन कर सकते हैं जस्ट बाय सॉल्विंग द मिनिमम 50 क्वेश्चन सो क्वालिफाई होना इतनी बड़ी बात नहीं है जब आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करके इस तरह से रिजल्ट एनालिसिस को भी देखकर जब आप स्ट्रैटर्जी बनाते हैं तो उस वक्त एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना काफ़ी इजी हो जाता है आगे देखते हैं 2018 के अंदर 2018 के अंदर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था एंड ओबीसी का कट ऑफ फिर से सेम और वो रहा 137 थर्टी मार्क्स कि जो 2007 के कंपेयर में इंक्रीज़ हुआ था कि जो 113 से बढ़कर हुआ 137 बट यहाँ पे एस के अंदर रहा 98 मार्क्स तीनों के अंदर वेरिएशन देख पाओगे आप 98 एट एस सी शिड्यूल ट्राइब के लिए रहा वो 67 मार्क्स एंड फिजिकली हैंडीकेप स्टूडेंट के लिए वो कट ऑफ गया 119 मार्क्स तो जनरल और ओबीसी का ही सेम रहा बाकी जो कैटेगरीज थी उसके लिए ये कट ऑफ जो था वो अलग अलग रहा जो आप यहाँ पे ग्राफिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली देख सकते हैं अब बात करें 2019 के जीपेट के एग्जाम की तो 2019 के अंदर जनरल कैटेगरी का रहा 141 मार्क्स जनरल्स का सबसे ज्यादा 141 देख सकते हैं ग्राफिकली भी आपको अंदाजा आ गया होगा कि ग्राफ जो है वो कैटेगरी वाइज डिक्रीज हो रहा है ओबीसी के लिए था वन उसके बाद एस के लिए 95 फाइव एंड एस कैटेगरी के लिए था वो ओनली 74 मार्क्स और यहाँ पे फिज़िकली हैंडी के लिए कोई कट ऑफ ही नहीं दिया गया था इसलिए उसकी जगह भी खाली है एंड ऑल्सो फॉर ई बिकॉज वह कट ऑफ मार्क्स ई डब्ल्यू एस तो उस वक्त कैटेगरी ही नहीं थी 2020 से वो स्टार्ट हुआ बट Uh, 2019 के अंदर पी के लिए कोई कट ऑफ नहीं था तो ये था जी 2019 का रिजल्ट एनालिसिस और उसके कट ऑफ मार्क्स उसके बाद देखते हैं लेटेस्ट जी 2020 की जो इस साल कंडक्ट हुई थी तो उसमें अब तक के जितने भी आप रिकॉर्ड देखो तो उससे हाईएस्ट कट ऑफ रहा 163 मार्क्स क्या आप देख सकते हैं 160 थ्री मार्क्स कट ऑफ रहा जनरल कैटेगरी के, के स्टूडेंट्स के लिए ओ बी सी एंड एन सी एल के लिए भी वो रहा वन थर्टी वन मार्क्स उसके बाद आप देखो एस सी के लिए तो एस सी स्टूडेंट के लिए भी वन जीरो थ्री रहा कि जो पिछले साल के मुकाबले काफी हाई था एस टी का देखें तो सेवेंटी सिक्स फिजिकली हैंडीकेप के लिए फिर से नील बट जो ईडब्ल्यू एस जो नई कैटेगरी ऐड हुई है कि जिसको हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यू एस सेक्शन तो उसके लिए जो कट ऑफ रहा था हंड्रेड एंड मार्क्स तो इसी को स्ट्रेटर्जी समझो कि आप बनाते हो जी 2020 टू थाउजेंड ट्वेंटी के अकॉर्डिंग टू समझो कि आप ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लिए भी सोचते हैं तो आपका टारगेट यही रहेगा कि आपका स्कोर 163 के अबव ही बनाए कि समझो कि आप यही कट ऑफ लेकर चलते हैं तो आपका टारगेट रहेगा कि आपको स्कोर अचीव करना है एटलीस्ट 180 एटी मार्क्स कि जिससे आप क्या हो जाते हैं सिक्योर हो जाते हैं तो 180 एटी मार्क्स के लिए समझो कि आप एटलीस्ट uh, 60 या 70 क्वेश्चंस सॉल्व करो और उसमें से 50 क्वेश्चंस भी सही हो जाते हैं तो फिफ्टी इंटू फोर मतलब कि 200 मार्क्स हुए और माइनस दस करें हम तो भी आपका स्कोर 190 जितना हो सकता है मतलब कि एटलीस्ट आप 50 परसेंट से भी कम क्वेश्चन प्रॉपर स्ट्रेटर्जी बनाकर सॉल्व करते हैं तो आपका जो क्वालिफिकाई होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज टोटल वन क्वेश्चन उसमें से सिर्फ आप 60 ही सॉल्व करते हैं और उसमें से 50 आपके सही होते हैं तो ये टोटल Attempted एंड करेक्ट नेगेटिव देखिए समझो कि दस तो फिर भी आपके जो टोटल मार्क्स 190 जितने हो सकते हैं फ्रॉम 500. तो इसके भी अब एक स्ट्रैटर्जी पे हम अलग से एक आपके लिए लेक्चर बना देंगे तो उससे पहले हम देखते हैं फिर से कंपाइलेशन देख लेते हैं कि यहाँ पे कंप्लीटली कंपाइल किया है 2013 से लेकर 2000 बीस तक का यह ग्राफिकली कंपाइलेशन आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर हाईएस्ट 167 रहा जनरल कैटेगरी के, के लिए 2020 के अंदर उसके बाद 2013 में था 145 फिर 141 2019 के अंदर एंड 137 था 2018 के अंदर बट और सबसे लोवेस्ट देखे सो दो और 115 जैसे रहे 2016 हजार सोलह एंड सत्रह के अंदर फिर ई डब्ल्यू एस कैटेगरी जो लेटेस्ट आई उसका 2020 से कट ऑफ आप देख सकते हैं काफ़ी लोअर है एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज तो ये भी याद रख सकते हैं कि ई डब्ल्यू एस वन जीरो एज पर लेटेस्ट ये वाला टेबल से भी आप देख सकते हैं प्रॉपर एनालिसिस की प्रॉपर कंपेरिजन देख सकते हैं कि समझो कि मैं नीचे पी एच कैटेगरी से देखता हूँ तो हंड्रेड 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 फिर 90, एटी टू वन वन नाइन और अब पिछले दो साल से उसके लिए कोई कट ऑफ मार्क्स जो है वो निश्चित नहीं किए हुए ना ही कोई रिजल्ट एनालिसिस में लिखा हुआ था जीपेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर एस टी का आप देखो तो हंड्रेड 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 उसके बाद नाइनटी नाइन एटी टू सिक्सटी सेवन फोर एंड सेवनटी सिक्स मार्क्स सो so, जो एस टी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो भी प्रॉपर अपनी अलग से स्ट्रेटर्जिट डिसाइड करे और वो टारगेट रखे कि अपने मिनिमम हंड्रेड या वन ट्वेंटी मार्क्स लाने हैं तो भी आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम सेम फॉर एस सी कैटेगरी है फिर ओ बी सी के जो स्टूडेंट है वो एटलीस्ट वन फिफ्टी का टारगेट रखे क्योंकि हाइस्ट कट ऑफ ओ बी सी का रहा था वन फोर्टी फाइव एंड लोवेस्ट में देखे तो एक सौ तेरह तो समझो कि हम ऐसा मिलाकर चले कि 150 जितना भी कई कुछ केसेस में इंक्रीज होता है तो जो ओ के स्टूडेंट समझो कि 150 मार्क्स का अंदाजा लगाकर कर करें कि मुझे 150 फिफ्टी या उससे अबव लाने हैं तो वो इजीली क्वालिफाई हो सकते हैं एंड जनरल के टारगेट रखे अपना 180 प्लस तो कौन से स्टूडेंट को कितना टारगेट रखना चाहिए बेज ऑन दिस जीपैट कट ऑफ एंड रिजल्ट एनालिसिस तो इसके ऊपर एक अलग से पूरा लेक्चर आएगा आपके लिए किस तरह से आप स्ट्रेटर्जी बनाओगे और कैसे आप अपना स्ट्रैटर्जी डिसाइड करोगे कैटेगरी वाइज तो वो भी लेक्चर जल्दी से आ जाएगा फार्मर ऑक्स की यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पे सो टिल देन मैसेज टू ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सिटी नेम एंड इट टू नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो तो ये नंबर पे जस्ट आपका नाम लिखिए सिटी नेम लिखिए और व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा सब्सक्राइब द चैनल एमप्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनीरऑक्स यूज दॉक्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपन आई फॉल एप ऑन एप स्टोर सो गूगल प्ले स्टोर एप स्टोर दोनों पर से आपको ऐप मिल जाएगी तो लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स को जरूर से चेक करिए कि जहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगी सो so, ऐपर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा टेस्ट सीरीज़ वीडियो लेक्चर एज वेल एज़ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल पी डी एफ मटेरियल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विथ प्रॉपर सॉल्यूसन एक्सप्लेनेसन रिजल्ट एनालिसिस तो ये सभी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए अभी डाउनलोड कर लीजिए फॉर्मरक्स का मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज आईफोन आईफन ऐपॉन ऐप स्टोर